टेस्टफुल किचन। आज हम आपको मिर्ची का वड़ा, राजस्थानी डिश है जो राजस्थान में बहुत पसंद करते हैं लोग, मिर्ची का वड़ा आपको सिखा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1.25 कप बेसन लिया है और उसको अच्छे से छान लिया है। आप देखिए, इसको कोई भी इसमें इम्प्योरिटीज ना हो और जो गुठली ऑलरेडी पड़ी हुई है वो भी इसमें खत्म हो जाए, तो इसको छान कर ले लिया है। ये मैंने 4 उबले हुए आलू को हाथ से मैश कर लिया है। ये हम हींग यूज करने वाले हैं। पानी हमने ले लिया है बेसन को घोलने के लिए और 2 पिंच के करीब अजवाइन ली है जो हम ये बेसन में डाल देंगे। जीरा लिया है हमने 1/2 चम्मच और ये मैंने नमक लिया है 2 पिंच। मैंने अमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है कलर वाला और ये लिया है मैंने चाट मसाला 1/2 टीस्पून। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और ये ली है मैंने 4 मिर्ची, जो बड़ी वाली मिर्ची आती हैं, मोटे वाली मिर्ची आती हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप की। इनको डंठल के साथ ही हमें रखना है, ये डंठल जो है इसकी नहीं तोड़नी है। और आप देखिए, इसमें हम ऐसे एक चीरा लगाएंगे, कट लगाएंगे मिर्ची में, और इसके जो सीड्स हैं अंदर इनको हम निकाल लेंगे, जो सीड्स हैं उनको हम सारा निकाल लेंगे। एक तो ये वैसे ही कम तीखी होती है मिर्ची, बट और भी तीखी ना हो तो उसके लिए हम ये बीज रिमूव कर देंगे। कुछ लोग इसे बीज के साथ भी बना लेते हैं, बट मैं इसके ये जो बीज हैं इनको रिमूव कर रही हूँ। तो ये हमने बीज जो है वो पूरी तरह से रिमूव कर लिए हैं, सभी मिर्ची में कट लगा लिया है। 1-2 बीज अगर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इन मिर्ची हमारी तैयार हो गई है। अब हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है इसके अंदर, कोई भी आप खाने वाला ऑयल ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे अब हम ये जीरा, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर अब हम हींग। बहुत ज्यादा तेल गरम मत कीजिएगा नहीं तो जल जाएगा। 1-2 पिंच ही हम हींग डालेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये आलू, उबला हुआ आलू एक साइड ऐसे डाल देंगे उबला हुआ आलू। और जल्दी से ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे ताकि जले नहीं। साइड में आप उबला आलू रखिए और जैसे ही ये मिर्ची और ये मसाले फ्राई हो, इसमें साथ के साथ आप ऐसे आलू को मिक्स कर दीजिए। और ये आलू हमें चटपटे बनाने हैं, ऐसे आप गैस को बिल्कुल धीमा करके इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, इसको अच्छे से भूनिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये देखिए, इस टाइप से हम इसको चारों तरफ से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारे आलू तैयार हो रहे हैं, हमने बेसन को ले लिया है, इसमें ऑलरेडी हमने अजवाइन डाल दी है 2 पिंच और थोड़ा सा हम इसमें 2 पिंच के करीबी हींग डालेंगे। बेसन नुकसान ना करे इसलिए हम हींग और अजवाइन कोशिश करते हैं कि जरूर डालें इसके अंदर। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि आलू में भी नमक है तो आप देख कर नमक डालिएगा। इसको पहले हम सूखा एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और ना ज्यादा हमें बैटर थिक रखना है ना थिन रखना है, मतलब पतला और गाढ़ा जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूं। इसको अब हम ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही थोड़ा इसमें पानी लगा है, ये देखिए 1 कप पानी मैंने लिया है और 1/2 कप से भी कम लगा है इसमें पानी। और अब हम इसको ऐसे फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालने की वजह से बिल्कुल भी देखिए गुठलियां नहीं पड़ती हैं।
और इस टाइप से हमारे ये बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 2 मिनट इसको रखते हैं और हम आलू चेक कर लेते हैं। ये परफेक्ट भुन गया है, गैस को करते हैं हम ऑफ। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हरा धनिया डालेंगे। कटा हरा धनिया डाल दिया है, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। देखिए अच्छा लग रहा है ना। आपके किसी भी तरह के सूखे आलू बने हुए हैं, अगर आप उससे बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। और इस समय आप इसमें नमक वगैरह सब टेस्ट करके देख सकते हैं कि परफेक्ट है। और अब हम इसमें बिना कंजूसी करते हुए अच्छे से इसको भरेंगे। थोड़ा सा मसाला गरम है, आप ठंडा करके भर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम सारी जो मिर्ची है उनको भर लेंगे। और कोशिश कीजिए कि मिर्ची जो है वो मुड़ी तुड़ी ना हो, सीधी मिर्ची हो। ये देखिए, वैसे तो जैसे भी आप मिले आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में भी अच्छी लगती हैं और भरी भी इजीली जाती हैं। तो यानी इस टाइप से हम सारी मिर्च भर लेंगे। तो ये अच्छे से मिर्ची भर गई है। अब हम बेसन में जो और इंग्रेडिएंट्स डालने जा रहे हैं वो है मीठा सोडा, जिसको हम केवल 1 पिंच डालेंगे। उससे थोड़ा सा ये खस्ता बनेगा। और जब आप बिल्कुल बनाने के लिए तैयार हो जाएं तभी आप इसको ऐड करें, यानी जब हम मिर्ची उतारने लगे मिर्ची वड़ा तभी इसको ऐड करें और एक बार अच्छे से इसको फेंट लें। तो अब हमने मिर्ची को डिप किया है इसके अंदर और अब हम यहां से इसको उठाएंगे, जो एक्सेस इसका बैटर है वो नीचे गिरने देंगे और फटाक से इसको तेल में डाल देंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी मिर्ची भी इसमें डिप करेंगे। और बेसन इतना हो कि देखिए उस पर चिपक जाए अच्छे से। चम्मच लेंगे, चम्मच की सहायता से इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगे। और अगर ज्यादा पतला बेसन होगा ना तो आपका ये मिर्ची पे कोट नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे करेंगे और ध्यान से डिप कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी यहाँ वीडियो बंद हो गई तो ये मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैं दूसरा आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये कुछ इस टाइप से बने हैं। ये मैंने शैलो फ्राई करके आपको बताया, कम तेल में तब बताया है। अब मैंने तेल को थोड़ा ज्यादा कर लिया है और अब हम ये दूसरा मिर्ची वड़ा इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से कोट कर देंगे, जो इसका एक्सेस बेसन है उसको निकल जाने देंगे। इसी तरह से दूसरा भी हम डाल देंगे और उलट पलट के हम इनको सेकेंगे। जितना आपको क्रिस्पी करना है उतना आप क्रिस्पी इसको कर सकते हैं। और इसको अब हम उलट पलट कर सेक लेंगे सारा। और अब हम इनको निकाल लेंगे, प्लेटिंग करते हैं इनकी। देखिए कितने बढ़िया करारे बने हैं। ये देखिए हमारे यमी से लगने वाले मिर्ची वड़ा तैयार है। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाऊं, अंदर से भी कितनी अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ ट्राई करें और वो बहुत अच्छा बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। और हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करते हैं। थोड़ा चाट मसाला इस पे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और आप हरी चटनी से खाइए, आप सॉस से खाइए, इमली की चटनी से खाइए, जिससे आपको पसंद है खाइए। और ये टेस्टी सा यमी सा मिर्ची वड़ा जरूर बनाइए।